गुड आफ्टरनून गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, मास्टर जी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत सही हूँ, आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, अभी टाइम हुआ है 2:30 बजे हैं और आज बारिश इतनी बढ़िया, 11 बजे से बारिश पड़ रही है, 11-12 बजे से। आज सुबह से इतनी अच्छी गर्मी थी, बहुत तेज़ गर्मी थी डियर फ्रेंड्स, लेकिन तो भगवान जी ने इतनी राहत दी है मौसम में, इतनी तकड़ी बारिश, सब जगह पानी ही पानी भरे हैं। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आज एक बार फिर जा रहा हूँ कंकरखेड़े की साइड। आज जा रहा हूँ मैं भाभी जी को छोड़ने, बड़ी भाभी को, उनके पियर माई के ये हैं साथ में, आप देख सकते हो। ये सी है, ये सी की मम्मी को छोड़ने जा रहा हूँ, साथ में अंजू भी जा रही है। अब आप तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं माल रोड पर। ये माल रोड है, आप देख सकते हो। तो हम लोग जा रहे हैं आज कंकरखेड़ा नंदू के घर, भाभी जी के घर, मतलब भाभी जी को छोड़ने 2 दिन के लिए। आयुषी जा रही है, मैं हूँ, अंजू है, भाभी है ना आयुषी, ये जा रही हैं, 2-3 दिन बाद आएंगी। तो मैं इनको छोड़ने जा रहा हूँ, हम लोग हैं अभी माल रोड पर, आपको मैं दिखाता रहूँगा कहाँ पहुँचा हूँ डियर फ्रेंड्स। तो गाइज, हम लोग अब आ गए हैं, ये इधर की साइड से है, आपको दिखाता हूँ डियर फ्रेंड्स, ये है कंपनी गार्डन। हम लोग चल रहे हैं माल रोड पर, ये बहुत अच्छा रोड है, कैंट में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, तो कैंट का ये एरिया कहलाता है माल रोड। ये मेरी इधर राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो, ये है कंपनी गार्डन। अभी मैं राइट टर्न करूँगा, ये इधर सेंट मैरी स्कूल, बहुत फेमस स्कूल है सेंट मैरी। तो गाइस, इधर लग रहा है जाम मेरे राइट साइड पे आने वाली लाइन में, वैसे तो हम लोग भी लाइन में ही हैं, बहुत लंबा जाम लग रहा है, धीरे धीरे चला रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, अपनी लाइन में चलाएं गाड़ी को, ओवरटेक ना करें, सीट बेल्ट लगा कर चलें। देखो गाइस, मैंने भी लगा रखी है, अंजू ने भी सीट बेल्ट लगा रखी है, सेफ ड्राइव करें, अपनी लाइन में चलाएं, ओवरटेक ना करें, साइड मिलने पर ही ओवरटेक करें डियर फ्रेंड्स। तो ये कुछ यातायात के नियम हैं, सभी को इसका पालन करना चाहिए। हमारी भाभी जी कह रही हैं कि गांव घर की खुशी में रोटी भी 5 की जगह 2 ही खाई है इन्होंने, चार खाई हैं, मैं गलत बोल दिया भैया, यानी कि घर की जाने की खुशी में जहाँ 2 रोटी खाती थी हमारी भाभी जी, उन्होंने खाई है 4 रोटी। ये फ्रेंड देखो, ये कैंट में काम चल रहा है, इधर कितना अच्छा सौंदर्यीकरण चल रहा है, कैंट बहुत अच्छा है, एरिया साफ सफाई बहुत अच्छा रहते हैं यहाँ पर, क्लीन क्लीन रहता है, हरा भरा कैंट। तो गाइज, हमने कर दिया अब कंकरखेड़ा पार, हम लोग आ गए हैं दिल्ली रुड़की बाईपास के वर्कफ्लो पर। तो डियर फ्रेंड्स, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, दिल्ली हाईवे बाईपास है वो, ओवरफ्लो फ्लाई ओवर है ये दिल्ली बाईपास वाला, इधर दिल्ली इधर देहरादून। हम लोग हैं अभी, देखेंगे आप लोग, हम लोग हैं अब दिल्ली देहरादून दिल्ली बाईपास पर, अब हम लोग चलने लगे हैं सरधना रोड पर। सहारनपुर 122 किलोमीटर है, शामली 61 किलोमीटर है डियर फ्रेंड्स यहाँ से। तो अब हम लोग हैं सैनिक विहार, बस कुछ ही मिनट बाद हम लोग पहुँच जाएंगे जहाँ हमारा जाने का टारगेट है, भाभी जी के पियर। तो आज हम वहाँ दावत में जा रहे हैं,
बहुत अच्छी दावत कर रखी है नंदू ने। तो डियर फ्रेंड्स, हमें कंफ्यूजन हो गया था, हम दूसरी कॉलोनी में चले गए थे क्योंकि बहुत दिन बाद आए हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे हम उनकी कॉलोनी में जाने के लिए। तो अब लोग जा रहे हैं, हम लोग मंदी तो चल रही है। तो डियर फ्रेंड्स, 40 की स्पीड हमारी चल रही है, उनको बता रहे हैं वहाँ भी मंदी चलाओ, इससे ज़्यादा क्या मंदी चलाएं। तो इनकी सिटी का नाम है गणपति एनक्लेव, ये है गणपति एनक्लेव। डियर फ्रेंड्स, हमें जाना था गणपति एनक्लेव, हम लोग थोड़ा कंफ्यूजन में आकर हम लोग चले गए थे किंग पार्क कॉलोनी। तो अब हम सही डेस्टिनेशन पर आ गए हैं, तो अभी मिलवाते हैं जहां हमें जाना है। गाइस, हम लोग आ गए जहां हमें आना था, नंदू भाई के घर। ये लड़की है नंदू की, ये नंदू की लड़की है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इस गुड़िया का? तेजस्विनी। ये देखो कितने गौर से वीडियो बनवा रही है लड़की, देखो ये 4 मंथ की लड़की है, 4 महीने की लड़की है। तेजस्विनी, ये देखो भैया, हम इस लड़की को देखने आए आज। क्यों अंजू? ये अंजू है, ये नंदू है, इनके घर हम आए हैं नंदू जी के। अब आ गए हम नंदू के घर। ये लड़की देखो कितनी मस्ती कर रही है, ये देखो देखो, ये अपने बुआ पर खेल रही है, कितनी खुश हो रही है बुआ के पास जाकर। ये देखो, ये बुआ की गोदी में खुश हो रही है लड़की, ये देखो कितनी खुश हो रही है भैया, कितनी खुश हो रही है गुड़िया, ये खुश हो रही है, ये बुआ से मिली है पहली बार, पैदा होने के पहली बार मुलाकात है बुआ भतीजी की। ये बुआ भतीजी की पहली मुलाकात है, दूसरी बार मिली है। अच्छा, दूसरी बार मिली है, लेकिन जब से इसने होश संभाला जब से तो पहली बार ही है। इस लड़की ने जब से होश संभाला पहली बार मिली है, देखो कितनी खुश हो रही है, ये बुआ भतीजी का मिलन है, ये बुआ भतीजी का प्यार है। हाँ जी, बुआ भतीजी का प्यार देखो कितना, ऐसे लग रहा है जैसे कितने जन्मों जन्म की मुलाकात हो।